फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल हनी द रॉक टेल कंपनी में। आज मैं आपके लिए दो तीन नए स्मार्टफोन लेकर आया हूँ। तो पहला जो स्मार्टफोन है वो LG की तरफ से LG स्टाइलू 7। तो ये फ़ोन आज लॉन्च होने वाला है 18 मार्च 2021 को। तो आइए हम इसके कुछ फीचर जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 GB रैम मिलेगी, 4 रियर कैमरे मिल जाएंगे, 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल। फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिलेगा। बैटरी 4000 mAh की मिलेगी और जो डिस्प्ले वो रहेगा 6.8 इंच का। उसके बाद यहाँ पर जनरल फीचर मिल जाएंगे और ये फ़ोन Android 10 के ऊपर काम करेगा। उसके बाद यहाँ पर डिज़ाइनिंग के कुछ फीचर मिल जाएंगे। उसके बाद डिस्प्ले के फीचर मिल जाएंगे। जो स्क्रीन साइज है वो रहेगा 6.8 इंच का। उसके बाद स्क्रीन रेशियो 1080 से 2400 तक का मिलेगा। उसके बाद एस्पेक्ट रेशियो 20:9 का मिलेगा। उसके बाद स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 84.86% का मिलेगा, जो कि कैलकुलेटेड है। उसके बाद परफॉर्मेंस के फीचर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो 64 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। इसके अंदर आप लोग 2 TB तक की एक बड़ी मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। फिर यहाँ पर कैमरा के फीचर मिल जाएंगे। इमेज रेशियो 8000 से 6000 का मिलेगा। फिर आपको फ्रंट कैमरा के फीचर मिल जाएंगे। उसके बाद बैटरी के फीचर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 4000 mAh की लॉन्ग टाइप की बैटरी मिलेगी। उसके बाद क्विक चार्ज मिल जाएगा फास्ट। उसके बाद USB Type-C मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्किंग के फीचर मिल जाएंगे। उसके बाद मल्टीमीडिया में लाउड स्पीकर मिलेगा और ऑडियो जैक 3.5 mm का मिलेगा। उसके बाद स्पेशल फीचर मिल जाएंगे। तो आइए हम इस फोन के कुछ फोटोग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पर ये फ़ोन कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अगर आपका बजट केवल 10,000 से 20,000 के बीच है तब आप लोग LG स्टाइलू 7 को केवल 17,999 रुपये में खरीद सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फोन की तरफ। हमारा नेक्स्ट फ़ोन है वो है नोकिया की तरफ से, नोकिया C1 Plus। और ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन
है और ये आज लॉन्च होने वाला है। तो इसके कुछ फीचर जान लेते हैं जो कि आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको 1 GB रैम मिलेगी, 5 MP रियर कैमरा मिल जाएगा, फ्रंट कैमरा 5 MP का मिलेगा, बैटरी 2500 mAh की मिलेगी और डिस्प्ले 5.45 इंच का मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर ये फ़ोन आपको एंड्रॉयड 10Q पर काम करेगा। उसके बाद यहाँ पर एंड्रॉयड गो की कस्टम UI मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर डिज़ाइनिंग के कुछ फीचर मिल जाएंगे और ये फ़ोन आपको 2 कलर में अवेलेबल कराया जाएगा, ब्लू एंड रेड। उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले के फीचर मिल जाएंगे। स्क्रीन साइज 5.45 इंच की रहेगी। उसके बाद स्क्रीन रेशियो 720:1500 का रहेगा। उसके बाद एस्पेक्ट रेशियो 18:9 का रहेगा। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 69.49% का रहेगा जो कि कैलकुलेटेड है। उसके बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस के फीचर मिल जाएंगे। यहाँ पर क्विड कोर 1.4 GHz का प्रोसेसर मिलेगा। अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो यहाँ पर 16 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और इसके अंदर आप लोग 128 GB का मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कैमरा के फीचर मिल जाएंगे। जो इमेज रेशियो है वो रहेगा 2592:1944 का। उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेसिटी आपको दोनों जगह मिल जाएगी, फ्रंट और रियर में, लेकिन दोनों जगह आपको 1280x720 की मिलेगी वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेसिटी। उसके बाद यहाँ पर बैटरी के फीचर मिल जाएंगे। 2500 mAh की लॉन्ग टाइप की बैटरी मिलेगी। उसके बाद यूजर रिप्लेसमेंट अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्किंग के कुछ फीचर मिल जाएंगे। उसके बाद मल्टीमीडिया में FM रेडियो मिलेगा, लाउड स्पीकर मिलेगा। उसके बाद आइडियो जैक 3.5 mm का मिलेगा। उसके बाद स्पेशल फीचर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अब हम इसके कुछ फोटोग्राफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये फ़ोन कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो अगर आपका बजट केवल 5000 से 7000 के बीच है तब आप लोग नोकिया C1+ को केवल 6199 रुपये में
खरीद सकते हैं और ये फ़ोन आज लॉन्च होने वाला है 18 मार्च 2021 को। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये हमारे लिस्ट का लास्ट फोन है वीवो की तरफ से और ये फोन आज लॉन्च होने वाला है 18 मार्च 2021 को, वीवो IQ7। तो आइए हम इस फोन के कुछ फीचर जान लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूँ, तो कृपया इस न्यूज़ को अच्छे से सुने, जो बहुत जल्दी ही जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो हुवावे पर बैन लगाने वाली है। लग सकता है हुवावे और ZTE के ऊपर बैन। तो अगर ऐसा हुआ तो हमारे जो टेलीकॉम के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी कीमतों पर उछाल आ सकता है, और ऐसा हुआ तो इंडियन कस्टमर्स के ऊपर भी हमें इसका असर देखने को मिलेगा। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको वीवो IQ7 के अंदर आपको 8 GB रैम मिलेगी, स्नैपड्रैगन 888 का मिलेगा, ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा, 48 MP, 13 MP एंड 13 MP फ्रंट कैमरा, 16 MP का मिलेगा। उसके बाद बैटरी यहाँ पर 4000 mAh की मिलेगी, और जो डिस्प्ले है वो रहेगा 6.62 इंच का। उसके बाद यहाँ पर जनरल फीचर मिल जाएंगे, और ये फ़ोन एंड्रॉयड 11 पर काम करेगा। उसके बाद यहाँ पर कस्टम UI ऑक्सीजन OS की मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको डिज़ाइन के कुछ फीचर मिल जाएंगे। यहाँ पर ये फ़ोन आपको 2 कलर में अवेलेबल कराया जाएगा, ब्लैक एंड और लाइटिंग ब्लू। उसके बाद आपको डिस्प्ले के फीचर मिलेंगे। तो स्क्रीन जो है यहाँ पर वो रहेगी 6.62 इंच की। उसके बाद स्क्रीन रेशियो 1080 से 2400 तक का मिलेगा। उसके बाद एस्पेक्ट रेशियो 20:9 का मिलेगा, और यहाँ पर डिस्प्ले टाइप AMOLED मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो कि कंपनी क्लेम्ड करती है वो रहेगा 91.4%, और स्क्रीन जो कैलकुलेटेड है वो रहेगा 86.06%। उसके बाद यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के फीचर मिल जाएंगे, एड्रीनो 660 का मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर
स्टोरेज की बात करूं तो यहाँ पर आपको 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और इसमें आपको USB OTG सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद कैमरा के फीचर मिल जाएंगे, इमेज रेशियो 8000 से 6000 का मिलेगा और यहाँ पर आपको डबल कलर LED फ्लैश मिलेगा। उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेसिटी आपको 3840 से 2160 की मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर फ्रंट कैमरा के फीचर मिल जाएंगे। उसके बाद फ्रंट में भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी जो कि 1920x1080 की रहेगी। उसके बाद यहाँ पर बैटरी के फीचर मिल जाएंगे और जो बैटरी है वो 4000 mAh की लॉन्ग टाइप की बैटरी रहेगी। यहाँ पर आपको क्विक चार्ज मिल जाएगा फास्ट 120 वाट का जो कि 15 मिनट में आपके फ़ोन को फुल चार्ज कर देगा। उसके बाद USB टाइप सी मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्किंग के कुछ फीचर मिलेंगे और यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया में लाउड स्पीकर मिलेगा और ऑडियो जैक USB टाइप सी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको स्पेशल फीचर मिल जाएंगे। तो आइए अब हम इस फोन के कुछ फोटोग्राफ देख लेते हैं। तो ये फोन दिखने में कुछ इस टाइप से दिखेगा। वीवो IQ7 है ये। तो अगर आपका बजट केवल 40,000 से 44,000 के बीच है तब आप लोग वीवो IQ7 को 43,090 रुपये में ख़रीद सकते हैं और ये फ़ोन आज लॉन्च होने वाला है 18 मार्च 2021 को। ओके बाय।